अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद नौरीन में आप सबको वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ चिकन रेशा कबाब। चिकन रेशा कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो सीने की चिकन ली है और ये मैंने चार छोटे साइज़ के आलू को बॉईल करने रख दिया है। अब हम चिकन को बॉईल करते वक्त जो मसाले ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। एक चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला जाएगा इसमें, एक चाय का चम्मच नमक जाएगा इसमें, आधा चाय का चम्मच इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी, एक खाने का चम्मच भर के इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, एक खाने का चम्मच मैं इसमें पिसी काली मिर्च डालूँगी। इन सबको मिक्स कर दूँगी। एक खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये चिकन रेशा कबाब। चिकन जब गल जाएगी हमारी अच्छी तरह और सारे मसालों का जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं चिकन के रेशे कर लूँगी। आलू बॉईल हो जाएंगे तो इनका छिलका रिमूव करके मैं आलू और चिकन के रेशों को मिक्स करूँगी। फिर बस ऊपर से इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप होके डालेंगी। फिर हम अपने चिकन रेशा कबाब रेडी करेंगे और उसकी हम जो कोटिंग तैयार करेंगे वो हम अंडे और ब्रेड क्रम से कोटिंग इसकी करेंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक के बटन को दबा दिया करें। मेरी रेसिपी को शेयर किया कीजिए और जो नए देखने वाले हैं मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब बस ये चिकन गल जाए अच्छी तरीके से, इसका पानी खुश्क हो जाए, आलू बॉईल हो जाए तो हम अपने चिकन रेशा कबाब रेडी करेंगे। बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत कम मसालों से बनते हैं और बहुत इनका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। हमारी चिकन बॉईल हो चुकी थी, इसको देखें मैंने रेशा रेशा कर लिया है इसका। आलू भी उबल चुके थे, मैंने इनको भी छिलका उतार के इनको मैश कर लिया है। हम इसकी कोटिंग जो करेंगे अंडे से करेंगे और ये ब्रेड क्रम्स जाएंगे इसमें। ये मैंने आधी हरे धनिए की जो गड्डी होती है वो और 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें इनको चॉप कर ली थी, ये इसमें जाएगी। अब मैं इसको एक गहरे बॉल में डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों की बाइंडिंग हो जाए। एक इसमें लेमन जूस जाएगा। लेमन जूस से जो होता है ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आलू डाल दिए हैं मैंने इसमें, अब मैं अच्छी तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी। इसमें चिकन ज़्यादा होती है रेशे वाले, क्योंकि चिकन रेशा कबाब है। आलू सिर्फ हम जो इसमें ऐड करते हैं ना सिर्फ इसकी बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, आलू ज़्यादा नहीं डाले जाते इसमें। बहुत अच्छे बनते हैं ये, बहुत खाए जाते हैं घी वाली चपाती से, और जब घर में पुलाव बना हुआ हो या मटर पुलाव होता है, आलू का पुलाव होता है, उसके साथ बहुत मज़े के लगते हैं ये। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अंडे को भी फेंट लिया है मैंने। ब्रेड क्रम्स अगर आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं पैकेट के यूज़ करती हूँ। अब मैं इसके कबाब रेडी करूँगी। ये कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, अब हम इसको पहले अंडे में डिप करेंगे फिर ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे और सब कबाब को अपने इसी तरह रेडी करेंगे। आप चाहें तो इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। दूसरा कबाब भी मैंने रेडी कर लिया, इस तरह सारे कबाब में रेडी करके
रख दूंगी। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इन कबाबों को। मटर पुलाव, मटर का सीज़न आ रहा है, मटर आना शुरू हो गई है, और मटर पुलाव बनाते हैं आप तो उसके साथ ज़रूर आप ये भी तैयार कीजिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे मटर पुलाव के साथ, और उसके साथ जो लाल चटनी होती है बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने कबाबों को रेडी कर लिया है, अब मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। अपने कबाब रेडी कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल डाल दिया था, इसको हम स्लो आंच पे फ्राई करेंगे। अब इनको हम टर्न कर देते हैं। चिकन भी इसकी पकी हुई थी, आलू भी बॉईल हुए हुए थे, बस हमें इसको ऊपर से अच्छा सा कलर देना होता है। एक साइड से ये हो चुके हैं, बस बहुत कम ऑयल में फ्राई होते हैं ये हमारे चिकन रेशा कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको अपने प्लेटर में निकाल लेती हूँ। ये हमारे चिकन रेशा कबाब रेडी हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।